हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एनएल एक्सपर्ट चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्टिविटी चेकआउट डाउट एग्जाम्पल का कम्प्लीटली कोड क्रिएट किया था। ओके, तो अभी हम इसका जावा फाइल क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं चेकआउट डॉट जावा में, एंड यहाँ पे हम जो भी यहाँ पे बटन एडिट टेक्स्ट जितने भी हमने एडिट टेक्स्ट को डिफाइन किए थे, वही एडिट टेक्स्ट को यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, एक बटन को मैं डिफाइन कर देता हूँ। बटन इसका मैं नेम दे देता हूँ परचेज बटन। ये होने के बाद सबसे पहले तो एरर शो हो रहा है, ठीक है। तो एरर को रिसॉल्व करने के लिए मैं इंपोर्ट क्लास कर देता हूँ। बाद में हमें चार एडिट टेक्स्ट को डिक्लेयर करना होगा, तो मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ कौन से चार एडिट टेक्स्ट। एक कार्ड नंबर, मंथ्स, ईयर एंड सीवीवी। ओके, तो एक एक हमें डिफाइन करना होगा। तो मैं टाइप कर देता हूँ एडिट टेक्स्ट। इसका नेम हम दे देंगे कार्ड नंबर। ओके, एंड इसको मैं सेमी कॉलम से क्लोज कर देता हूँ। एरर शो हो रहा है, सेम आपको इंपोर्ट क्लास करना है। अभी मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ डायरेक्ट, एंड इसका हम नेम दे देंगे मंथ। अगेन हम कंट्रोल डी करेंगे, इसका नेम दे देंगे ईयर। अगेन कंट्रोल डी करेंगे, एंड लास्ट सीवीवी था। ओके, तो इसका हम दे देंगे सीवीवी। तो आई होप समझ में आओगा कि हमने कैसे डिफाइन किया इसको, ठीक है। अभी इसके फाइंड व्यू बाय आईडी यूज करके हमें यहाँ पे डिक्लेयर भी करना होगा। तो बस हम फर्स्ट परचेज बटन जो था हमें डिक्लेयर करना होगा, उसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ परचेज बटन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, एंड यहाँ भी यूज करेंगे हम कार्ड नंबर। दो मिनट में तो सबसे पहले परचेज बटन की आईडी देख लेता हूँ, परचेज बटन ही था। ओके, तो हम इसलिए हम यूज करेंगे परचेज बटन। ओके, सेमी कॉलम से क्लोज कर देंगे, सेम आपको कंट्रोल डी कर देना है। सही, हम कंट्रोल डी नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम खुद से मैन्युअली टाइप करेंगे। तो मैं अभी कार्ड नंबर ले लेता हूँ। कार्ड नंबर इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट कार्ड नंबर। अगेन मैं चेक कर लेंगे हम कार्ड नंबर की, यस कार्ड नंबर ही है। तो हमें मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा कार्ड नंबर, खुद ब खुद थर्ड में आ चुका है। ओके, सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना आपको, एंड कंट्रोल डी करना है आपको, इसको भी कंट्रोल डी करना है, एंड इसको भी कंट्रोल डी करना है। ओके, हमने कार्ड नंबर का तो कर दिया, वैसे पहले मंथ, ईयर एंड परचेज बटन, सॉरी परचेज बटन नहीं, सीवीवी। ओके, तो अभी हमें इसकी आईडी भी डिफाइन करनी होगी एक एक। कार्ड नंबर की तो ऑलरेडी हमने कर दी है, मंथ की हम मंथ दे देंगे क्योंकि हमने वहां पे आईडी में मंथ ही यूज किया था। इसका ईयर और बाद में सीवीवी, ईयर एंड सीवीवी। तो आई होप गाइस सभी आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे डिफाइन करते हैं। अभी हमें क्या करना होगा, परचेज बटन पे एक सेट ऑन क्लिक लिस्ट यूज करना होगा। तो मैं सी वी वी के नीचे में आ जाता हूँ, एंड यहाँ पे टाइप कर देता हूँ परचेज बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर न्यू। तो जैसे हम न्यू टाइप करेंगे, खुद ब खुद ऑन क्लिक लिस्टनर की मेथड आ जाएगा खुद ब खुद। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, इफ एंड एल्स की कंडीशन यूज करना है। तो मैं आपको एक एक समझा देता हूँ। अगर सपोज ये जो कार्ड है वो एम्प्टी रहता है, तो हम एरर मैसेज प्रोवाइड कर देंगे प्लीज एंटर कार्ड नंबर। अगर सपोज ये एम्प्टी रहता है तो प्लीज एंटर एक्सपायरी मंथ, एंड यहाँ पे एक्सपायरी ईयर, एंड सेम यहाँ पे क्या रहेगा, प्लीज एंटर सीवीवी। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक एक डिफाइन करना होगा इफ एंड एल्स की कंडीशन यूज करके। तो मैं इफ प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ पे, इफ सपोज अगर टेक्स्ट यूटिल्स डॉट इज एम्प्टी,
कार्ड नंबर जो भी रहेगा हमारा उसको हम यूज कर लेंगे, ये जो कार्ड नंबर हमने डिफाइन किए थे गेट टेक्स्ट, आपको ये वाली मेथड यूज करनी होगी। इसके बाद हमें ब्रैकेट प्रोवाइड कर देना है एंड सेव हमें टाइप करना होगा कार्ड नंबर डॉट सेट एरर। ठीक है, एरर में हम क्या प्रोवाइड कर देंगे, आपको डबल डॉट दे देना है। ठीक है, प्लीज एंटर कार्ड नंबर। प्लीज एंटर कार्ड नंबर। इसके बाद हमें अगेन इफ कंडीशन यूज करनी होगी एल्स इफ की। ये होने के बाद भी आपको सेम प्रोवाइड करना होगा टेक्स्ट यूटिल डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, सिर्फ हमें कार्ड नंबर की जगह क्या यूज करना पड़ेगा, तो मंथ। तो एल्स इफ के कंडीशन में मैं प्रोवाइड कर देता हूं मंथ, एंड यहाँ पे भी हमें एरर पास करना होगा। तो मैं कंट्रोल सी से यहाँ पे भी कॉपी कर देता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ। कार्ड नंबर की जगह हम यूज करेंगे मंथ, प्लीज एंटर मंथ। मैं बैकस्पेस से रिमूव कर देता हूँ मंथ। ये होने के बाद अगेन हमें क्या करना होगा, इसके नीचे आना है। तो मैं अभी बस कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। ये जो एल्स एंड एफ की कंडीशन शो हो रही होगी आपको, बट यहाँ पे एरर शो हो रहा है, तो आई थिंक हमने इसके बाहर इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी से। तो आप देख सकते हो अभी कोई भी एरर शो नहीं हो रहा है। तो बस आपको कंट्रोल सी करना है, ये जो एल्स एंड एफ की कंडीशन है, तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ एंड इसके नीचे में पेस्ट कर देंगे हम। एंड ये जो मंथ है इसकी जगह बाद में हम यूज करेंगे ईयर। एंड मैसेज में क्या शो करेंगे, प्लीज एंटर ईयर। तो एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने मंथ प्रोवाइड की है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ईयर प्रोवाइड कर देता हूँ। ये होने के बाद अगेन आपको एंटर करना है एंड सेम आपको कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर देना है। अगेन हम यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे एंड ईयर के बाद में रहेगा हमारा सीवीवी। तो जहां जहां आपको ईयर शो हो रहा है वहां पे आपको सीवीवी को यूज करना है। यहाँ पे भी ईयर की जगह हम यूज करेंगे सीवीवी। ओके, तो आप देख सकते हो अभी हमारा कंप्लीटली वर्क हो चुका है। जितना भी था जैसे परचेस बटन, कार्ड नंबर, मंथ, ईयर, सीवीवी, सभी का हमने वर्क कर दिया। इसके बाद हमें एक एल्स कंडीशन यूज करनी होगी। अगर सपोज ये सभी कंडीशन बराबर रहती है तो हम एक कंडीशन यूज करेंगे एल्स की, जिसमें हम यूज करेंगे इंटेंट का। ओके, तो हम सबसे पहले इंटेंट यूज कर लेते हैं यहाँ पे। इंटेंट हम नेम दे देंगे आई इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। जिस एक्टिविटी में है उस एक्टिविटी का नेम मीन्स हम प्रोवाइड करेंगे डायरेक्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा। हमें किस एक्टिविटी में जाना है, तो सक्सेस डॉट क्लास। तो इसके बाद एक राइट करके एक सिंबल हम शो कर देंगे सक्सेस में। तो वही हम उस एक्टिविटी का नेम शो कर रहे हैं यहाँ पे सक्सेस डॉट क्लास। तो यहाँ पे एरर शो हो रहा है, तो हमें सबसे पहले इसकी एक्टिविटी क्रिएट करनी होगी। तो मैं क्रिएट करता हूँ थोड़ी देर में इसको। तो सबसे पहले हम स्टार्ट एक्टिविटी प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे एंड ये जो आई है इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, तो अभी हमारा कंप्लीटली वर्क हो चुका है। अभी हमें सक्सेस डॉट क्लास जो हमने यहाँ पे एक्टिविटी एंटर शो हो रहा है, सॉरी एरर शो हो रहा है, तो इसको मैं रिजोल्व करने के लिए एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ। एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी एंड यहाँ पे जो नेम रहेगा सक्सेस, मैं 2 मिनट देख लेता हूँ हमने सक्सेस लिखा है। तो जैसे कि वैसे इसको कॉपी एंड पेस्ट करना है। ओके, तो सक्सेस एंड फिनिश बटन पे आपको टैप कर देना है। तो जैसे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे तो सेम यहाँ पे ग्रेडल बिल्ट रनिंग होगी। तो ये ग्रेडल बिल्ट फिनिश होने तक हम वेट करते हैं।
तो अभी आप देख सकते हो ये जो सक्सेस डॉट जावा फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है, बट यहाँ पे एरर शो हो रहा है चेकआउट डॉट जावा में। ये तो रिजोल्व हो चुका है एरर, बट ये जो एलसीप की कंडीशन है इन सभी में एरर रिजोल्व हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस इसको ब्रैकेट से क्लोज कर देना। तो मैं सभी को ब्रैकेट से क्लोज कर देता हूँ। तो जैसे हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे जितने भी हमारे एरर रहेंगे वो कम्प्लीटली रिजोल्व हो जाएंगे। तो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है चेकआउट डॉट जावा का। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्टिविटी सक्सेस डॉट एग्जाम्पल को क्रिएट करने वाले हैं एंड इसका जावा पार्ट भी क्रिएट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत।